मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। आज डीटी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है राजस्थान के पंचायत राज चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। अब लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। आज हम मौजूद हैं उड़की तल्ला ग्राम पंचायत में और यहां जो ये बस स्टैंड है ये जट्टबास का बस स्टैंड है। यहाँ जो ग्राम पंचायत है उसकी जनता यहाँ करके इकट्ठा होती है और पूरे तरीके से जो राजनीतिक चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं ये आप देख रहे हैं। दरअसल ये हमारे साथ मौजूद हैं उड़की तल्ला ग्राम पंचायत से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार आशु खान जी, जो कि पहले भी सरपंच रह चुके हैं और लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान बनाए हुए हैं और लगातार लोगों से डोर टू डोर वोट लेने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ उसके साहिब ज़ादे भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अगर जनता इनको चुनती है तो जनता का विकास कैसे कर पाएंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। आपका स्वागत है हमारे यहाँ आने का। आप बहुत दूर से आए, आपने कष्ट करा, आपको धन्यवाद। और मैं तो ये आग्रह करूँगा जनता से, अकाब की बार अगर मुझको चुना तो पहले भी अच्छा काम करें और अब भी अच्छा काम करेंगे। पहले बड़का जट्टवास कोरली तीनों का वंचित थे बिजली से, तो मैंने बिजली लगवाई। दो साल तो मीटर भी नहीं लगे, फ्री चली थी जी। और हेडपम्प भी मैंने घर के लिए दिया, जो मेरे से पहले भी सरपंच आए थे और पीछे भी सरपंच आए हैं, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं कराया ऐसा। मैं आज भी लाइट में हूँ, इंशाल्लाह लाइट में रहूँगा, जनता मुझको चाहती है, मैं अच्छी वोटों से जीतूँगा। अच्छा, लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, अच्छी वोटों से जीतेंगे, जनता का बढ़िया समर्थन है, कोई टेंशन नहीं। विपक्षियों को कहा देखते सर? नहीं, सब लड़ रहे, सब अपने भाई हैं। अच्छा। मैं किसी को बुरा नहीं बताता, लेकिन मैं वोट अच्छी वोट से जीतूंगा। अच्छा, नए खिलाड़ी भी चुनाव मैदान में? नए खिलाड़ी भी हैं, विदेश कमाणियाँ भी हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। पैसे वाला से पैसे चुना नहीं जीतता आदमी, आदमी तो काम बोलता है आदमी का। पहले भी अच्छा काम करें, अब भी अच्छा काम करेगा, इंशाल्लाह नीयत अच्छी है, पहले भी अच्छी रही अब भी अच्छी रहेगी। गरीब का हित में अच्छा हमारा प्रभाव रहता है और गरीब जनता ही हमको चुनती है। ऐसा कोई प्रत्याशी जिससे आप अपना मुकाबला मानते हो? मैं नहीं कह सकता इस बात को, जनता है जिसको जिताएगी जीतेगी, लेकिन मुझे उम्मीद पूरी है कि मैं जीतूंगा। सर उड़की तल्ला ग्राम पंचायत चर्चाओं में है, इसकी खास वजह? चर्चाओं में यह है कि इसमें थोड़ा झगड़ा फसाद हो गया था, पहले पोल रिपोल भी होगा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब सब भाईचारा सही है और अच्छी तरह सही चल रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि जनता का मन है, मैं अच्छी वोट से जीतूंगा। सर अगर जनता आशु खान को यहाँ से सरपंच पद पर काबिज करे और यहाँ की नुमाइंदगी सौंपे तो जनता किन उम्मीदों के साथ आपको ये पद सौंपे? नहीं, जनता को मालूम है मैं दाम नहीं कमाता, मैं नाम कमाता हूँ। अच्छा, और अब भी नाम कमाऊंगा, इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। जनता को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे डीटी न्यूज के माध्यम से कि कैसे रहबर को, कैसे नुमाइंदे को चुने? भाई जनता को मालूम है, पहले भी मेरे बहुत केस लगा था, लेकिन मैं वो ऐसा कैंडिडेट नहीं हूँ जो केसों से नम जाऊँ या लौट जाऊँ या कोई मुझसे लाल से बिठा दिए। मैं चुनाव पूरा लड़ता हूँ और इंशाल्लाह जीत की उम्मीद है और जनता मुझको चाह रही है। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें उसे वोट नहीं है मेरे लिए, मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ, मेरे सब गाँव में से वोट मिलती है जी। और बहुत से गाँव तो मेरा ऐसा भी है, एक नौनगड़ा है मेरा उड़ के निर्भय का, जो मेरा 100% संग रहता है, उड़ से ही जीतूँ जब भी हारूँ जब भी, और उनका पूरा काम करता हूँ, आधी रात में भी 24 घंटे संग रहता हूँ, रहता सबके साथ हूँ जी। लेकिन और गांव में कैंडिडेट खड़े हैं और अब बहुत सी समस्याएं हैं गांवों में, वो मेरे सामने में नोटिस में ले रहा हैं, सबको कराऊंगा इंशाल्लाह, मुझको टाइम मिलेगा जी। देखिए ये थे हमारे साथ आशु खान, जो कि उड़की तल्ला ग्राम पंचायत से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो बताया कि अगर जनता इनको चुनती है तो क्या क्या विकास होगा। उसके साहिबजादे जो लगातार कैंपेनिंग में इसके साथ जुटे हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप एक युवा हैं और लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। इस सबका सहयोग मिल रहा है मेरे को, उड़की तल्ला ग्राम पंचायत से मैं जीतने वाला हूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने का दूर। अच्छा, जो लगातार आपके खिलाफ चुनाव प्रचार में सामने आ रहे हैं उनको कहाँ देखते हैं, किस स्टेज पर देखते हैं उनको? नहीं, वही उनका बराबर चल रहा है। अच्छा, अपना बहुत सहयोग है, पांचों गांव में बहुत सहयोग, अपना सब जगह से वोट मिल रही है, गांव से और पांचों गांव से बहुत सहयोग मिल रहा है हमको। अच्छा, पिछले कार्यकाल पर अगर नज़र डालें, आप पहले भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, कैसा विकास आप लोगों ने कराया? नहीं, मेरा पिताजी ने 25 साल से राजनीति में काम किया है, लेकिन एक बार सरपंच बने तब से बहुत सहयोग किया है जनता का, घर घर में हेडपम्प लगाए, सीसी खड़ंजा कराएं, काफ़ी काम कराएं। अच्छा, जनता को संदेश दे क्या देना चाहेंगे आप? जनता को ये संदेश है कि दोबारा हमको राजनीति में अगर इधर सरपंच चुनाव जिताते हैं तो हम बहुत सहयोग करेंगे आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये थे हमारे साथ आस मोहम्मद जी, जो
उड़कीदला ग्राम पंचायत से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि अगर जनता इनको चुनती है तो सबका समान विकास होगा, और जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, इनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब जनता इनको एक बार फिर से उड़कीदला ग्राम पंचायत से यहाँ का नुमाइंदगी सौंपेगी, और इनका कहना है कि सबका समान विकास होगा। ये तो वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नुक्कड़ सभाओं पर हम लगातार ये चुनावी चर्चा करते हुए, बुजुर्गों से, नौजवानों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। हमारा लगातार का सर्वे चल रहा है। ये दरअसल पूरी जनता है जो इस बार का जो नुमाइंदा वो तय करेगी उड़कीदला से, और उस नुमाइंदगी किसको सौंपेगी ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।